स्कंद रंजन त्याल साहब, ये दरअसल दुनिया के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी। इतने सारे आतंकी तो अब खुले घूम रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, और तो और अमेरिका चिंता तो जाहिर कर रहा है, लेकिन यूएन का आप रुख देखिए, वो तमाम आतंकी जो कि ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में थे, जिन पर बाउंटी घोषित थी, अब उन्हें लिस्ट से हटाया जा रहा है। ये क्या मजबूरी है? देखिए, बहुत सालों से ये देख रहे हैं हम सब कि बहुत देश तालिबान और आइसिल के बीच में, आइसिस के बीच में कुछ फर्क देखते हैं, पर हमारी नजर में तो दोनों एक हैं। जैसा आपने देखा कि इराक में जब अमेरिकन फोर्सेस हटी तो पूरे के पूरे इराक पे करीब करीब आइसिस ने हमला ने कब्जा कर लिया था। सीरिया में उनके पांव बहुत बड़े हुए हैं। तो अफगानिस्तान में जिस तरह की कैओटिक स्थिति पैदा हो रही है, दुनिया भर के जो आईसिस समर्थक हैं, जो बहुत ही दहशतगर्द हैं और एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट व्यू इस्लाम का रखते हैं। देखिए, एक चीज हमें समझनी होगी, तालिबान का जो एजेंडा है वो केवल अफगानिस्तान तक ही सीमित है। उनके जो बयान हैं, उनके जो एक्शंस हैं, तालिबान हमेशा ये कहते हैं कि साहब ये बताइए कि हमने अफगानिस्तान के बाहर कोई टेररिस्ट एक्ट किया है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। जबकि आईसिस या अलकायदा, उनका एक ग्लोबल एजेंडा है, वो पूरी दुनिया में जिहाद लाना चाहते हैं और हर हिंदू क्रिश्चियन सिख को वो मुसलमान बनाना चाहते हैं। तो इन दोनों में फर्क है, और अफगानिस्तान आईसिस की तरफ ना जाए, यही रशिया चाहता है, यही अमेरिका चाहता है कि भाई अफगानिस्तान ही अगर चाहते हैं, अफगान पश्तून चाहते हैं कि अफगान तालिबान रूल करें, तो भाई कर लो जी। पर और अपने देश पूर्णिमा जी भी हमारे साथ मौजूद है, वक्त हमारे पास कम बचा है पूर्णिमा जी, और इसी तरह से चलता रहा तो ऐसा लगता है, कहा तो बार बार यही जाता है कि गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट नहीं करना चाहिए, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है दुनिया का जो रुख नजर आ रहा है अफगानिस्तान को लेकर, जितने बैड टेररिस्ट थे सब थोड़े दिनों में गुड टेररिस्ट बन जाएंगे। देखो, टेररिस्ट तो टेररिस्ट है, टेररिज्म इज टेररिज्म। मेरे हिसाब से अफगान आईसिस बोलो या तालिबान बोलो, अलकायदा बोलो, सब सेम है। इस्लाम इज द अल्टीमेट गोल। अब कैसे भी करे, कई भी करे, हम अगर जब हिंदुत्व सामने आता है और राइट विंग ने सामने आता है, वो सब एकत्रित हो जाता है। इंडिया में भी हिंदू के अगेंस्ट सब टाइप ऑफ मुस्लिम्स आर यूनाइटेड। यहाँ पे शुरू हो गया, मैंने जो बोला है, सारा हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट से लेकर सुनीता विश्वनाथ से लेकर इंडिया की परिस्थितियों से तो ना ही मिलाया जाए तो बेहतर होगा पूर्णिमा जी। ये बड़ा गैर वाजिब हो जाएगा कि इंडिया की सिचुएशन से आप अफगानिस्तान की तुलना कर दें और जो तालिबान कर रहा है उसकी तुलना यहां से की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।